हर तालिका तीज व्रत में क्या खाएं क्या नहीं, एक्सपर्ट से जानें पूरी लिस्ट। हरतालिका तीज इस साल 18 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन महिलाएं और सुहागिन लड़कियां भगवान शिव की आराधना कर पति की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं। ऐसे में कुछ महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं तो कुछ फलाहार करती हैं। इस व्रत के दौरान महिलाओं को सर्गी में भी कुछ हेल्दी चीजें खानी चाहिए, जिससे कमजोरी और थकान से बचा जा सके। हर ताल का तीज व्रत में क्या खाना चाहिए? नंबर एक, आम तौर पर महिलाएं इस व्रत में निर्जला उपवास रखती हैं, लेकिन ऐसे में व्रत तोड़ते समय आपको हेल्दी चीजों का ही सेवन करना चाहिए, जिससे दिन भर की थकान और कमजोरी को दूर किया जा सके। नंबर दो, ऐसे में आप व्रत तोड़ने या फिर सर्गी में भी दही का सेवन कर सकते हैं। नंबर तीन, हरितालिका तीज के व्रत में आप पपीता, सेब, अनार, अमरूद, पानी, नींबू पानी, मौसमी का जूस और अनार का जूस पिए। नंबर पाँच, ऐसे में आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू और किशमिश जैसे कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं। नंबर छः, तीज पर आप दूध में मखाने उबालकर या फिर लौकी के हलवे का भी सेवन कर सकते हैं। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए? नंबर एक, व्रत रखने के दौरान या फिर तोड़ते समय कुछ चीज़ें खाना नुकसानदायक भी हो सकता है, हमेशा हेल्दी चीज़ों का सेवन करके नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे सिर दर्द या फिर मतली जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। नंबर तीन, ऐसे में आलू या फिर कुट्टू और सिंघाड़े आदि का ज़्यादा सेवन करने से भी बचना चाहिए, ऐसे में कई बार गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तीज पर मैदे से बनी चीज़ें और जंक फूड आदि खाने से बचना चाहिए। नंबर चार, अगर आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो ऐसे में व्रत रखने से पहले चिकित्सक की सलाह जरूर लें। ऐसे में आप अपनी बीमारी बताकर चिकित्सक या डाइटिशियन से अपने खाने की लिस्ट बनवा सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर हेल्थ, ब्यूटी और किचन टिप्स से रिलेटेड डेली एक वीडियो अपलोड की जाती है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही टिप्स और ट्रिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे इस तरह की एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।